सांस तो हम सभी लेते हैं, लेकिन यह पॉसिबल है सिर्फ जमीन पर। पानी में सांस लेना हम इंसानों की बस की बात नहीं। पर मैं एक चमत्कारी हूँ और आज मैं आप सभी को यह वरदान देता हूँ कि आप अभी से पानी में भी सांस ले सकेंगे। रुको, इसे सच मानकर पानी में न कूद जाना, क्योंकि मैं आपको पानी में सांस लेने की शक्ति असलियत में नहीं देने वाला, बल्कि इस वीडियो में दूंगा। तो चलिए जानते हैं कि अगर हम पानी के अंदर भी सांस ले पाते तो हमारे लाइफस्टाइल में क्या बदलाव होते। हे फ्रेंड्स, मैं हूं सतीश और आप देख रहे हैं रन विद साइंस, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसे। एक प्रोफेशनल डाइवर पानी के अंदर 5 से 10 मिनट बिना सांस लिए गुजार सकता है, पर एक आम इंसान मैक्सिमम 2 मिनट से ज्यादा नहीं रह सकता। हम हर मिनट 16 बार सांस लेते हैं। आप अगर किसी गहरे समुद्र में जाते हो तो आप हाइपरथर्मिया के शिकार हो जाओगे, क्योंकि आपके बॉडी का टेम्परेचर जहाँ 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए था वो अब 35 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। इस तापमान में आपका हार्ट और दूसरे अंग काम करना बंद करने लगेंगे। गहरे समुद्र काफी ठंडे होते हैं, इसलिए आप उसके अंदर 90 मिनट से ज्यादा नहीं रह पाएंगे। पर हम उस समुद्र में ज्यादा गहराई में न जाएं, तब भी हमारे शरीर में उतने बॉडी फैट या उतने बॉडी हेयर नहीं है जो हमारे शरीर के तापमान को कम होने से बचा सके। हमारा शरीर पानी के अंदर नहीं देख सकता। अगर हम 24 घंटे तक पानी के अंदर रह भी जाएं, तो हमारी आंखें डैमेज हो जाएंगी, क्योंकि उनमें वाटर प्रेशर इतना पड़ेगा कि हमारी आंखों से अब हमें कुछ नहीं दिखेगा। यही नहीं, 24 घंटे पानी में रहने के बाद आप अपने बोलने की शक्ति हमेशा के लिए खो दोगे, क्योंकि आपका वोकल कॉर्ड अब खराब हो चुका होगा। पानी के अंदर अगर हम सांस ले सके तो सबसे पहले हमें अंडर वाटर घर बनाने होंगे, जिसमें हमारे शरीर को इन परेशानियों का सामना न करना पड़े। ट्रांसपोर्टेशन के लिए अब ट्रेन, प्लेन, शिप के साथ साथ अंडर वाटर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का जन्म होगा, जहाँ पर हम पानी के बहाव का इस्तेमाल कर जल्दी से एक जगह से दूसरे जगह जा पाएंगे और अंडर वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम से कोई पॉल्यूशन क्रिएट नहीं होगा। ट्रेन और प्लेन काफी ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, पर अंडर वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम न के बराबर पॉल्यूशन क्रिएट करेगा, क्योंकि वह पानी के अंदर हार्मफुल गैसेस रिलीज नहीं कर पाएगा, क्योंकि पानी के अंदर गैसेस रिलीज करना काफी मुश्किल है। सबमरीन जो पानी के अंदर चलती हैं, वह भी ना के बराबर पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं। हम जानते हैं कि समुद्रों के अंदर काफी ज्यादा कचरे हम इंसानों ने भर दिए हैं। आम इंसानों ने कचरे तो भर दिए, पर उसे निकालना आम इंसानों के बस की बात नहीं है, क्योंकि अगर हम उसे निकालने जाएं तो हो सकता है कि हम दोबारा कभी वापस भी नहीं आ सकते। पर पानी के अंदर भी अगर हम सांस ले पाते तो अगर किसी भी इंसान को तैरना आता तो वह आराम से समुद्र के अंदर जाता और सारा कचरा अपने पीट में लाकर वापस ले आता। धरती पर जिस तरह आबादी बढ़ रही है, उस वजह से जमीन की काफी कमी हो रही है, और अगर हम पानी में भी सांस ले पाएंगे तो हम पानी में अपनी मानव सभ्यता को बसा पाएंगे। कई सारी कंपनीज पानी के अंदर बनेगी, शायद अमेज़न या फिर माइक्रोसॉफ्ट का नया हेडक्वार्टर हिंद महासागर के अंदर बने, उसके बाद टाटा, फोर्ड, बीएमडब्ल्यू, सुजुकी जैसी कंपनी वाटरप्रूफ कार का निर्माण करने लग जाएगी, वही होंडा और हीरो पानी के अंदर चलने वाली बाइक्स बनाने लग जाएंगे। ध्यान रहे, पानी के अंदर भी हमें हेलमेट या सीट बेल्ट पहनने की जरूरत होगी, नहीं तो हजारों रुपए चालान कट जाएगा। ऐसे कई सारे पेड़ पौधे हैं जिन्हें उगाने के लिए हमें समुद्री सतह पर जाना पड़ता है, पर यह डेंजरस है, इसलिए हम उन पौधों को ज्यादा नहीं उगाते। पर इंसानों को नया वरदान मिल चुका है, जिसे मैंने दिया है, सतीश सोनी ने, तो उसके बाद सॉल्ट वाटर फार्मिंग कॉमन हो जाएगी और मछली पकड़ने के लिए हमें जाल का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। हम खुद ही जाएंगे चारा बनके और अपने हाथों से मछलियों को पकड़ कर घर ले आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। डन, थैंक यू।